ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पेपर आ चुका है सर पे। तैयारी हमारी बिल्कुल नहीं है। अगर हमारी तैयारी है तो हमें याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या था, तो रिवीजन तो करनी ही है। रिवीजन नहीं करनी, तैयारी नहीं करनी, तो कुछ मिनिमम पढ़ के जो है पेपर में अच्छा स्कोर करना ही है, राइट? क्योंकि ये नॉलेज आपके आगे जाके भी काम आनी है। तो यहाँ पे आप सही जगह पे आ गए हैं। हम यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर आपको करा रहे हैं एग्जाम नोट्स। मिनिमम क्वेश्चन स्टडी करके आप ले सकते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स। करना कुछ नहीं है, लेक्चर्स को सुनना है, एग्जाम नोट्स के लेक्चर्स को सुनना है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ उनका राइटिंग का तरीका भी बताया जाएगा, पूरा आंसर बताया जाएगा। आपको बस वीडियो को सुनना है, एक बार दो बार याद रखना है, पेपर के अंदर लिख के आना है एंड अच्छे मार्क्स लेने हैं। सो वेलकम टू आर चैनल विच इज़ टीचर कूल। यहाँ पे हम करने वाले हैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एग्जाम नोट्स की स्टार्टिंग, राइट? तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहला टॉपिक जो हम उठाने वाले हैं वो है हॉल इफेक्ट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने की बात है एंड हम 10th क्लास से इस टॉपिक को करते हुए आ रहे हैं। बस उसका एक कंक्लूजन हमें निकाल के लिखना है, तो इट्स नथिंग वेरी हार्ड और डिफिकल्ट। सो विल स्टार्ट विद द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। स्टूडेंट्स का इसलिए क्योंकि ये इजी रहता है, टीचर्स का इसलिए क्योंकि ये पेपर में देना होता है। सो इट्स अ टू वे क्वेश्चन। विल स्टार्ट विद हॉल इफेक्ट। अभी तक वीडियो पे हैं तो लाइक को ज़रूर हिट करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में, सबको अच्छे नंबर दिलवाइए, राइट? एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। स्टार्ट करते हैं एग्जाम नोट्स। पहला टॉपिक इज हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट के बारे में बिफोर वी स्टार्ट हॉल इफेक्ट जो है हमने 10th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मीन्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडक्शन मतलब इन दोनों में से कोई चीज़ तो है जो इंड्यूस हो रही है। हमने हमेशा से पढ़ा है अगर मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है तो करंट आ जाएगा, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाला पार्ट, हमारे पास करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें निकालना क्या है, जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी उसको, उस फील्ड से हमें क्या निकाल के देना है, वोल्टेज। वो वोल्टेज का क्या नाम होगा, हॉल वोल्टेज। उस फील्ड का क्या नाम होगा, हॉल फील्ड। और इस फिनोमिना का क्या नाम हो जाएगा, हॉल इफेक्ट। सो दिस इज माय हॉल इफेक्ट। खत्म कहानी, इतना सा ही हमें करना है। स्टार्ट करते हैं। इट सेज व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर मेटल प्लेट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक करंट कैरिंग मेटल प्लेट ली है जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस की है, विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। सो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट, राइट? करंट फ्लोइंग मेटल प्लेट लिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, दो डायरेक्शन ऑलरेडी कवर हो चुकी है, तीसरे डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। दिस Phenomena is known as Hall effect and the field thus induced is known as my Hall field. ठीक है, डेफिनेशन खत्म हो गई। दिस वॉज डिस्कवर्ड, ऑब्वियसली डिस्कवर किया था, ये चीज़ इन्वेंट नहीं किया था क्योंकि ये इन्वेंट कर नहीं सकते हैं। उसने ये चीज़ रखी थी एंड ही ऑब्जर्व की ये चीज़ इंड्यूस हो रही है। सो विल से इट वॉज डिस्कवर्ड बाई अमेरिकन साइंटिस्ट E.H. Hall इन 1879। ये सिर्फ एक कॉमन लाइन है, आप पेपर में चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब आती है इसके अंदर से वोल्टेज निकालने की। वोल्टेज निकालने के अंदर कोई बड़ी महाभारत नहीं है, नॉर्मल स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो 11th के फर्स्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला मैंने एक 3 कोऑर्डिनेट लिए, उसके अंदर मैंने एक मेटल प्लेट, करंट कैरिंग मेटल प्लेट को प्लेस किया है, विच इज़ ABCDEFGH। ठीक है, ये जो मेटल प्लेट है इसको जो है मैंने इसके अंदर प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद आई अप्लाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन Z
जेड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन के अंदर मेरा करंट है. नाउ फर्स्ट थिंग आई सपोज इज, अगर मेरा करंट इधर फ्लो कर रहा है, मुझे वेलोसिटी इधर ही दिखानी है. आई से माई करंट कैरिंग चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव इन नेचर. पॉजिटिव होंगे तभी करंट और चार्ज का डायरेक्शन सेम रहेगा. ठीक है, तो आई से लेट अस अज्यूम चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव चार्जेस, सो दे आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दीज चार्ज कैरियर्स विल बी गिवन बाय क्यू वी क्रॉस पी, विच इज कॉमन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. सिंस इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस के का आंसर आएगा माइनस जे. मेरा मैग्नीट्यूड निकल के आया माइनस ऑफ क्यू वी बी जे कैप, राइट. अगर अब आप बोलो कि मैम हम तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, वी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. दिस विल बी माई माइनस वी, राइट. ऑल्सो चार्ज के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस क्यू वी बी, माइनस क्यू इंटू माइनस वी क्रॉस बी. आई क्रॉस के सेम रहेगा, राइट. तो यहाँ पे मेरा दोबारा से क्या आएगा, माइनस क्यू वी बी जे कैप. तो चार्ज कैरियर कोई भी हो, अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मेरे जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे दिल एक्सपीरियंस अ फोर्स डाउनवर्ड्स. ठीक है, मेरा एक चार्ज है Q, इट वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वॉज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, ड्यू टू विच इट विल स्टार्ट टू ड्रिफ्ट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, जैसे जैसे चार्जेस मूव करते जाएंगे फोर्स लगती जाएगी. एट द एंड क्या होगा, जो नीचे वाला प्लेट है, मेरे मेटल प्लेट का जो नीचे वाला फेस है, उसके ऊपर क्या होगा, चार्जेस का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट. एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने से क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास चार्जेस एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड फेस, तो ऊपर उनकी डेफिशिएंसी होने लग जाएगी. एक तरह से मेरा क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी में फ़र्क आ जाएगा. नंबर डेंसिटी में फ़र्क आएगा तो अपर एंड लोअर फेस जो मेरे मेटल प्लेट के हैं, उसके बीच में क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल जो है वो इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंट कंसेंट्रेशंस ऑफ चार्ज कैरियर्स. ठीक है, These charge carriers will accumulate at the lower face of the block due to this force, hence creating a potential difference across the two faces known as Hall voltage or Hall EMF. ठीक है, आगे चलते हैं. This drifting of charge carriers will stop. ये drifting कब stop होगी, जब इनके ऊपर जो भी force है that will become equivalent to Q into electric field, मतलब electric force, electrostatic force जब इस force को balance कर देगी. electrostatic force when balanced by magnetic force, ये जो drifting है it will come to a standstill. तो उसके लिए we'll equate both the forces and मेरे पास EH का relation निकल के आया VB, right. अब number density क्या होता है, NEV, right, where N is my number of charge carriers, E is my electronic charge, V is my drifting velocity. तो इससे V का value मैं निकाल सकती हूँ. V के value को I'll put in this expression. तो मेरे पास निकल के आया EH का ये expression. EH के नीचे अगर मैं J भी ले आऊँ तो I'll get N quantity 1 by NE which is known as my Hall coefficient या फिर Hall constant. तो 1 by NE is given by Hall coefficient. अब इस केस के अंदर वी आर अज्यूमिंग के इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज कैरी कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं जो चार्ज को कैरी कर रहे हैं, तो एन की जगह पे आई विल गेट 1 बाय पी ई, वेयर पी डिनोट्स माय पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. दस वी से दैट द साइन ऑफ आर एच विल टेल विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, अब मैं बोलती हूँ मेरे सैंपल की थिकनेस अगर डी है, तो होल वोल्टेज, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज अप्लाइड अपॉन डिस्टेंस. सो डिस्टेंस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ माय थिकनेस ऑफ सैंपल. इसके अंदर ई एच की वैल्यू डाल देते हैं, ये वाली. यहाँ से आर एच के टर्म्स में अगर मैं लिखूँ तो ई एच विल बी आर एच बी जे, बिकॉज 1 by NE इज my RH. तो मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया. अब अगर W इज my width, राइट, सो J इज करंट पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, width इंटू इसकी थिकनेस.
तो उससे डिवाइड किया, मेरे पास आंसर निकल के आया आर एच का ये, वी एच का ये, हॉल वोल्टेज का एंड हॉल कोफिशिएंट का। विद दिस वी फिनिश दिस डेरिवेशन। कोई बड़ी चीज़ नहीं करी है, जो 11th क्लास से करते हुए आ रहे हैं वही चीज़ हमने बार बार रिपीट करी है, वही रिलेशंस को हमने जो है यूज़ करा है, एंड उससे हमने हॉल कोफिशिएंट, हॉल वोल्टेज, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरीथिंग वी हैव डिफाइंड। अब हॉल इफेक्ट का यूज़ कहाँ पे आता है? सबसे पहले तो हमने देख ही लिया कि जो भी आर एच का वैल्यू रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव विल टेल मी के कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव दैट मीन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, इफ़ इट इज़ नेगेटिव इट विल बी एन टाइप सेमीकंडक्टर। दस फर्स्ट यूज इज टू टेल द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, सेकेंड इज नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी इज गिवन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, नंबर हमें सिर्फ डेंसिटी में चाहिए, तो यहाँ पे 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ E इंटू आर एच, वेयर E इज माई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लास्ट इज टू मेजर द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम निकाल सकते हैं, कैसे? मुझे निकालना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हुई है, तो अगर मैं वोल्टेज प्रोवाइड कर दूँ, करंट कर दूँ, तो थर्ड थिंग आई कैन कैलकुलेट। ऑल्सो अगर मुझे पता लगाना है कि मेरे पास पर्टिकुलर वोल्टेज इतनी डेवलप हुई है, तो भी हम निकाल सकते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग कि हमें निकालना कोई भी थर्ड पैरामीटर है आउट ऑफ द थ्री गिवन पैरामीटर्स। ठीक है, विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक। दिस इज वेरी इजी। एक बार और इसको अभी साथ के साथ आप रिपीट करके सुन लीजिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। सिर्फ कल एक बार दोबारा रिपीट करिएगा और ये पेपर के लिए तैयार है। ठीक है, so all the best, do well, do let me know paper kaisa hua, don't forget to like, share and subscribe to my channel Teacher Cool. Thank you.